हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितिन सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट में जिप लगाना सीखेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें पहले बेल्ट लगा ली थी क्योंकि मैंने ये बेल्ट और इलास्टिक वाला ही बनाना था, बट बाद में ध्यान आया कि मैं आपके लिए जिप लगाना बताऊँ। तो ये हमने जिप ली है और दो पट्टियाँ ली हैं जिनकी लंबाई 7.5 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। इस पर मैं पेस्टिंग पेपर चिपका लूँगी। आप चाहो तो ओनली इनर लगा कर भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे फ्यूज़ पेपर है, इस पर हमने पट्टियों को इस तरह से रखा है और उसके बाद हम इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको टुकड़े को कट कर लेंगे और कट करने के बाद अपोजिट साइड भी प्रेस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको और प्लाजो पैंट की इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है बहुत ही इजी से तरीके में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने इससे पहले ही एक वीडियो अपलोड की है और इसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ये मैंने पट्टी को इस तरह से फोल्ड किया, ये बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी फ्यूज़ पेपर लगाने के बाद। और इस पर हम, जैसे कि ये पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमने सीधी सिलाई लगा दी है, उसके बाद हम इस कपड़े को अंदर की तरफ, यानी कि जिस तरफ पट्टी हमारी है उस तरफ फोल्ड करते हुए इस पर एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम चैन लगाएंगे, बट उससे पहले हम सिंगल फुट लगा लेंगे ताकि बहुत ही फिनिशिंग से हमारी चैन लगकर तैयार हो जाए। ये बहुत ही जल्दी लग जाता है और किसी भी शॉप से अवेलेबल हो जाएगा जिस पर से हम मशीन का सामान लेते हैं, या फिर किसी भी मशीन के शोरूम से हम इसको ले सकते हैं। ये हम एक बार सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हिले ना। अब हम जहाँ हमने पहले पट्टी लगाई थी उस पर चैन को उल्टा रख कर उस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमने एक कच्ची सिलाई लगा ली है, उसके बाद एक सिलाई और लगाएंगे हम ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसमें। उसके बाद हम ये जो पट्टी हमने तैयार की थी वो लेंगे और इसके ऊपर भी हम ये जिप लगाएंगे। जैसे हमने इस पर लगाई है उसी हिसाब को देखते हुए हमने ये जिप लगानी है। ये हम सीधी ही लगाएंगे और जहाँ हमारा ओपन हिस्सा है पट्टी का उस पर हम ये, उस साइड हम ये सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, उसके बाद हमने जो बैक वाला हिस्सा है वो उठाना है और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहीं से एक सिलाई और लगा देनी है। हमने एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है, जो हमारी ऊपर चैन हमने छोड़ी है सेम दोनों हिस्सों में एक जैसी छूटनी चाहिए ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये बहुत ही फिनिशिंग से बंद हो जाए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए कुछ इस तरह से बंद होएगी, बट इसमें है ना थोड़ी सी जिप हमारी नज़र आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिलाई लगाई थी पहले जिप के ऊपर, अब फिर से हम एक सिलाई और लगाएंगे। बट अब सिलाई जब हम लगाएं तो हमने जो हमारी ये चैन है इसको हल्का हल्का खींच लेना है और बिल्कुल इसके पास से हमने सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसके पास से लगाएंगे तो ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और बहुत ही फिनिशिंग से ये लगेगी। ये हमारी चैन लग गई है, इसको हम जब बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बंद होएगी। बट उससे पहले हम एक सिलाई और लगाएंगे जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाई थी। ये देखिए, जैसे कि हमने इसको खोला, जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाई थी पट्टी के साथ में बिल्कुल ऊपर से इसके साथ में हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि जब हम जिप को बंद करें तो ये कपड़ा इसमें अटके ना, जो हमारा प्लाजो का है। दोस्तों, अगर आपको इस प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी देखनी हो बहुत ही आसान से तरीके में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने इससे पहले ही वो वीडियो डाली हुई है। और इसके अलावा आई बटन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप आई बटन को टच करके भी इसको देख सकते हैं। ये हमने दोनों हिस्सों को एक जैसा पकड़ना है, जैसे कि दोनों पट्टी हमारी बिल्कुल एक समान हमने पकड़नी है और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी चैन के बिल्कुल पास में उसको एक सार करते हुए हमने बिल्कुल पक्की सिलाई लगा देनी है।
और इसको हम बिल्कुल सीधी तरफ सिलाई लगाकर छोड़ देंगे। जहाँ तक हमारी पहले सिलाई लगी है वहाँ तक हम इसको मिला देंगे। दोस्तों अगर आप छोटे छोटे पार्ट में बहुत ही ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं डेली पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ और बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में वीडियो पोस्ट करती हूँ जो बहुत ही कुछ ही सेकंडों में आपको बहुत सा ज्ञान दे जाएंगी। तो हमने फिर से फुट चेंज कर लिया है। अब हम जैसे कि हमने जिप को बंद कर लिया है, अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमने जो साइड वाली पट्टी है उसको उसी तरफ कर लेना है और सिंगल पट्टी पर ही हमने सिलाई लगानी है। ये ग्रीन कलर है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा, बाकी मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से समझ आए। जब हम सिलाई लगाएं तो हमने वो पट्टी साइड में ही रखनी है और ये सिलाई मैं एक पैर की दूरी पर लगा रही हूँ। जैसे कि हमारा जो जिप का सेंटर है उससे एक इंच की दूरी पर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। हमने जहाँ तक हमारा ओपन हिस्सा हो वहाँ पर चौक का निशान लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ तक हमारी जिप लगी हुई है। हमने यहाँ जो हमने निशान लगाया है उसके सामने तक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम सिलाई को ऊपर करेंगे और जो पट्टी हमने साइड में रखी थी उसको हम इस तरफ करेंगे और सेम जहाँ से हमने मशीन उठाई थी वहीं पर हम सिलाई लगाना फिर से स्टार्ट करेंगे। और जो पट्टी हमने दबा दी है नीचे उसके ऊपर पक्की सिलाई हम एक बार लगा देंगे। तो दोस्तों हमारी ये जिप लग के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने जो बेल्ट हाफ में ओपन की थी उसको दोबारा से लगाएंगे। तो हमने जो ये बेल्ट थी पूरी ही निकाल देनी है और उसके बाद हम अलग से नई तैयार करेंगे। तो हम इस बेल्ट को यहाँ से हटा देते हैं और अलग से लगाएंगे और उसमें फिर हम हुकाई भी आपको लगाना बताएंगे। तो हमने ये पेस्टिंग वाली बेल्ट ली है यहाँ पर। ये हम जितनी हमारा फ्रंट हिस्सा है पेंट का उससे एक या डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हमारी कम ना रहे, ज़्यादा ही रहे। तो ये हमने 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, इसके ऊपर हम ये पेस्टिंग चिपकाएंगे एक साइड में और एक पैर की, या तो बगैर चिपकाए भी सिलाई लगा सकते हैं एक पैर की, या फिर हम चिपका के करेंगे तो ज़्यादा ही फिनिशिंग आती है। तो हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया और एक बार और हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार होती है अगर हम इस तरह से बेल्ट तैयार करते हैं। तो हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे। हम इस तरीके से अगर पैंट में बेल्ट तैयार करते हैं तो बहुत ही सुंदर ढंग से हमारी पैंट तैयार होती है। इसी तरह हम जब साड़ी में बेल्ट डालते हैं तो उसमें भी बेल्ट इसी तरह से तैयार करते हैं। अगर आपको साड़ी की भी वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। मैंने साड़ी में बेल्ट डालने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। हम इसको उल्टी तरफ रखेंगे, बेल्ट को जो हमारा पैंट का उल्टा हिस्सा है उस तरफ हम रखेंगे और ये हमने इतनी सी पट्टी बाहर निकाल देनी है ताकि इस पर हम आई हुक लगा सकें। तो हमने इसके बिल्कुल पास पास से सिलाई लगाते हुए चलना है। अगर हमें जैसे कि बुकरम के ऊपर चढ़ने का डर रहे तो हम एक निशान लगा सकते हैं पहले और इसको ऊपर हटा के निशान के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा सकते हैं। हमने इस तरह से पूरी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल कन्नी पर एक एक सिलाई और लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस कपड़े को हम यहाँ से अच्छे ढंग से सेट कर लेंगे ताकि जब हम इस पर हुकाई लगाएं तो ये फिनिशिंग से ही हमारा लग कर आए।
इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। उस इलास्टिक डालने से पहले हम इसकी बैक वाली पट्टी तैयार कर लेंगे। ये भी हमने 4 इंच की पट्टी ही लगाई है, जैसे कि हमने इस पर निशान लगा लेना है और दूसरी तरफ भी हम निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये इक्वल फोल्ड होए। तो हम इसको पहले फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक का तरीका मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि हमने फोल्ड कर लिया है, इलास्टिक का तरीका मैं आपको बता दूं कैसे डालते हैं। जैसे कि हमारी जो बेल्ट होती है उसका हम हाफ कर लेंगे, बेल्ट जैसे कि हमारी 32 इंच है तो उसका हम हाफ करेंगे 16 इंच, तो 16 में से 4 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा बच गया 12 इंच, तो हम 12 इंच का इलास्टिक डालेंगे। यही मेजरमेंट है सभी के इलास्टिक डालने का, कोई भी कितना भी साइज है हम बेल्ट का हाफ करेंगे और उसमें से 4 इंच माइनस कर देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा शायद। तो हम इलास्टिक को जैसे कि थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पर जहाँ तक हमारी ये चैन की पट्टी आई हुई है वहाँ तक हम इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे चैन के बिल्कुल सामने, ताकि जब इस पर हुकाई लगाएं तो अच्छी फिनिशिंग से लगे। और हम इलास्टिक को अच्छे से सेट करके बिल्कुल इक्वल, तो इस पर एक सिलाई लगा देंगे, हम इस पर पक्की सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हम हुकाई लगाएंगे और उसके बाद हम इलास्टिक पर सिलाई पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसमें हम अब हुक और आई लगाएंगे। तो ये हमने नीचे की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड किया और इसके ऊपर हम हुक लगाएंगे। तो हुक को हमने इससे बिल्कुल सेंटर में ही लगाना होता है, तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए हमने नीचे की तरफ लगाना है। तो इसको हम इस तरह सेट करके इसमें इसकी पिन अच्छे से सेट कर देंगे, और जब हम इसको सेट करें तो इसमें एक सिक्का डाल लेंगे, ताकि जब हम इसको दबाएं तो ये बिल्कुल बंद ना हो जाए इसका मुंह। जैसे कि हमने इस तरह से एक सिक्का इसके अंदर दबा लेना है और उसके बाद इस पर हम जब चोट मारेंगे तो ये पूरा बंद नहीं होएगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। इस पर हम आई लगाएंगे, आई हमने जहाँ पर सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसके जिप के सामने, उसके बिल्कुल सेंटर में हम लगाएंगे और इसके अंदर भी हम ऐसे ही पिन ये अटैच कर देंगे। ये हमारी विजिबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने जो हुक लगाया है उसको हम इनविजिबल करेंगे। ये भी बाकी इनविजिबल ही हो जाएगी, ये बाकी वैसे दिखेगा तो भी इतनी दिक्कत नहीं लगाएगा, लेकिन उसकी पिन है वो हमें चुभती है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। दोस्तों ये हमारी पैंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और आपको मेरा बताने का ढंग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साइड में बेल है उस पर भी ऑल का बटन दबा दीजिएगा। इसके ऊपर हम जो इलास्टिक है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। आप मर्जी है, चाहो तो डबल सिलाई लगाओ, चाहे सिंगल सिलाई लगाओ, तो हम इस पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। मैं इस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहती हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा और डायरेक्ट मैसेज करके कुछ भी पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। ये हमारी जिप और आई हुक, इलास्टिक और बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर समझने में ज़रा सी भी दिक्कत हुई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मैंने कोशिश की है बहुत ही आसान से तरीके में बताने की, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू दोस्तों।